और राकेश टिकैत का भी एक स्टेटमेंट आया, वो भी आपको दिखाते हैं। राकेश टिकैत पिछली बार जब ये किसान 6 दिन पहले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि हम इन लोगों के साथ हैं, सरकार ये ना समझे कि हम इनसे दूर खड़े हैं, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इनके पास पहुंचने में अगर इनके ऊपर सख्ती करती है सरकार। देखिए आज क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून, बड़ा सवाल है आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। और ये हर प्रदेश के हर जिले में है, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। कहीं पर दिल्ली बॉर्डर में लगातार किसानों पर आपसे गोले छोड़े जा रहे हैं, आवेंगे वे किसान भी आवेंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर, आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। प्रमुख मांगे क्या क्या है? एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, फसलों के दाम है, बिजली मेंटेनेंस बिल है,